भाई बड़ी ठंडी ऑडियंस है। कराची की ऑडियंस क्योंकि ठंडी होती जा रही है, इसलिए मैं दिसंबर की 10, 11, 12, 13 और 14 को आ रहा हूं लाहौर। तो लाहौरियो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दो भैया, हमारा कारवां पूरे पंजाब में चलेगा और आप लोग लेकर जाएंगे टू मोबाइल की गाड़ी, यूनिक की बाइक, 10-10 तोले सोना और बहुत सारा कैश भी। ताली होनी चाहिए। अच्छा भाई, तो अभी तो ठंडी ऑडियंस के लिए बताएं कि क्यों मोबाइल की बाइक कौन जीतना चाहता है। ओके, मुझे चाहिए 3 खवातीन, थोड़ी सी मजेदार सी खवातीन चाहिए मुझे। अब मजेदार से मुझे भी नहीं पता कि क्या मतलब है इस बात का, लेकिन जिन्होंने खाना अच्छा। आंटी आप आइए, आंटी ये वाली प्यारी आंटी, आंटी जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आप आइए, जल्दी आइए। और आप आइए, होने वाली, जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए, चलिए जल्दी, कम ऑन, क्यों मोबाइल की बाइक के लिए जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। खड़े होके बजाओ तालियां अपने यार, हमारी फैमिली से। आंटी का हाथ पकड़े, आंटी का हाथ पकड़े। अच्छा जी, वैसे तो हमारी इन तीनों बहनों को देख के आपको लगता होगा कि मैंने इन्हें कुछ खिलाना है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, हम इन्हें खिलाएंगे नहीं। आज सबसे पहले इनका एक मजेदार सा टास्क आपको दिया जाएगा, और टास्क ये है, आपके सामने बहुत सारी बंटीज पड़ी हुई आपको नजर आ रही हैं, इनमें से कोई भी एक रंग आपने चुनना है और एक मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसी रंग की बंटीज आपने निकालनी है। जिसने ज्यादा से ज्यादा बंटी एक कलर की निकाली वो यहां से लेकर जाएगा। कौन सी बाइक जलने वालों, तो ये मानते हैं कि ये चलने वाले। हाउ स्वीट इज दैट। तो आपका एक मिनट का वक्त शुरू होता है मेरी बहन अबे। बंटियां सारी खानी आपने, उठाइए गिनती जाइए, एक एक करके खाती जाइए। ये देखिएगा, ये खाए ना, खाए 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 एक आ, और ये अरे खाए ना, अरे शर्मा क्यों रही हैं आप। अच्छा चले छोड़े, ये 2-3 और ये 4-5-6-7-8-9-10 मत बजाओ, भूल रहा हूं मैं, 11-12-13-14-15-16-17 मरवा दिया, 18-19-20-21-22-23-24-25 कुछ तो बजाओ, 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 और ये ट्विन हुआ है 38-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 और ये 60। ये मेरी बहन, ये वाली गिन दे खुदा का वास्ता जल्दी से। अच्छा जी, आपने कौन सा रंग चुनूं इसमें से, नीला। ओके, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
37 37 38 39 40 अभी ये खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 और 53 यहाँ कितनी है? टोक्यो मोबाइल की बाइक आपकी हुई। आंटी किसके साथ आई है? आइए आयो गिन गिन के थक गया, तालियां बजाए। आप लोग भी खाली हाथ जाएंगे, रेमिंग और क्यू मोबाइल आपके साथ जाएंगे। जाइए आइए सर बैठिए। भाभी इधर आइएगा, जरा यहाँ बैठे। हाँ क्या हुआ, घर पे खाना वाना नहीं मिलता आपको? शुरू से ऐसे इधर लाओ भाई, इधर लाओ। भाभी खाना वाना नहीं देती आप इनको? बहुत खाते हैं। तो इनको बाइक देने का फायदा क्या, तो उड़ जाएंगे बाइक पे? बहुत चलाते हैं। अच्छा आप पीछे से इनको पकड़ के रखिएगा ऐसे, ठीक है, जब ये चलाएं। लेकिन आपकी बीवी ने आज आपके लिए बाइक जीती है, इनको कोई अच्छी सी बात बोले। हमारा ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर से हम आए। इसका मतलब है मैं अब नहीं जाऊँ लाहौर? नहीं नहीं, आई एम वेलकम। लाहौर से लोग जब यहाँ आ रहे तो हम क्या करेंगे फिर, हम कैसे जाएं? हम जाए नहीं जाए लाहौर, लाहौर से ही मेरा ताल्लुक। आप पंजाबी में बोले लाहौरियों को कि फाद भाई वाइफ, मेरी वाइफ पंजाबी, मेरी बहन, क्या कैसे कहते हैं, बहन मेरी, बोले उन्हें पंजाबी में के फहद भाई जो है वो लाहौर आ रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा इस्तकबाल कीजिए। फहद भाई लाहौर आ रहे हैं, रज के ना इस्तकबाल करो। बहुत सारी तालियों में इज्जत करेंगे। ओके जनाब, तो सबसे पहले बताइए कि खुल गई किस्मत, कौन खेलना चाहता है? तो अपने वाउचर्स अपने हाथों में ले लीजिए जल्दी से, क्विकली क्विकली। देखते हैं जनाब के कौन से वो दो खुश नसीब। अरे वाह लड़के, भाग के आ गए, ठक्की टिकी ढक्की टिकी ठा, वेरी नाइस। चलो भाई पहन के बैठते हैं, अब देख लेते हैं। ओके ये देखें, आज ये ऐसा हो गया माहौल। ओके दो खानदान आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से क्या कुछ आज जीत कर जाएंगे ये देखते हैं कि उनकी क्या किस्मत है आज। सबसे पहले एक और ये दो, नाम से ज्यादा नंबर पे फोकस करेंगे। जो लोग पहले पार्टिसिपेट कर चुके वो अब दोबारा नहीं आएंगे। सबसे पहला नाम है 33289 मिसेस अबीरा ईमान। मिसेस अबीरा ईमान पूरी फैमिली के साथ आइए नीचे। दूसरा नाम है 5748 शबाना सहर। शबाना सहर कौन है? शबाना सहर पूरी फैमिली के साथ नीचे आइए जल्दी से। आईता आ जाओ, या फिर आओ। यार ये तो कंफ्यूज हो गया मैं, कहाँ हूं? चलो आवाज इधर चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से। सवालात पूछेंगे आपसे जनाबे आली। सबसे पहले बताइए, ये पकड़िएगा, रमजान में मेरा शो कितने दिन चलता था? 30 दिन है? 30 दिन 30 दिन चलता था क्या? और अगर 31 रोजे हो गए तो क्या करेंगे? होंगे ही नहीं कभी। और अगर 29 रोजे हो गए तो? 29 दिन। तो ये क्या बात हुई, तुम्हारा जवाब तो गलत हुआ ना फिर। 30 दिन हो या 29। अच्छा मैं 30 दिन किया था शो, 30 दिन के चक्कर में आपको क्यों मोबाइल देते हैं ये लीजिए जनाब। अंकल अस्सलाम वालेकुम। अंकल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप बहुत अच्छा खाना पकाते होंगे। मैं 10 तक गिनूंगा, आप मुझे आलू पकाने की रेसिपी बताएंगे। एक आलू, प्याज प्याज लाल करनी है, फिर आलू काट के डालने हैं और उसको चलाना है। चार, किसको चलाना है? थोड़ी मिर्ची डालनी है। पांच, अरे क्या हुआ, आलू रुक, मिर्ची डालनी है, टमाटर वगैरह डाल के उसको चलाना है, फिर थोड़ा सा भूनना है। बन गए आलू भाई, बन गए आलू। बड़ी माफ कर दो, ये आलू ऐसे बन ही ना जाए, आलू चलते रहे। ये लीजिए आप पकड़िए, सवाल पूछूंगा आपसे। बताइए गिलहरी अंडे देती है या बच्चे देती है? बच्चे। आपको किसने बताया? दिमाग है। गिलहरी ने बताया आपको ये बात? गिलहरी से मुझे गिलहरी मिली थी, उसने कहा कि मैं अंडे देती हूँ, तो अंडे में से भी तो बच्चे ही निकलेंगे। हाँ क्या बात है, वाह। ये लीजिए, क्यों भाई आगे बढ़नी चाहिए जल्दी से, आगे बढ़। ये लीजिए मेरी बहन, ले लीजिए कैजुअल की तरफ से आपके लिए। चलो चलो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ले लीजिए जैनब की मोबाइल की, ले लीजिए आपके लिए कौल आशमी की तरफ से। ले लीजिए कौल आशमी की तरफ से, बैठ जाए सारे बैठ जाए। यूनिक की तरफ से ले लीजिए, चलो मेरे दोस्त साजुआ की आंटी, ले लीजिए आपके लिए, ये आपके लिए। ले लीजिए डेनमार्क की तरफ से, जैनब की मोबाइल की तरफ से। ले लीजिए बेटा, जाके अपने अब्बा को खींच।
चल एपीजी की तरफ से, चलो आ जाओ। नहीं क्या से सैनिक की मोबाइल की तरफ से आपके लिए अजमत की मोबाइल की तरफ से ये लीजिए। मेरी भी बर्थडे आज अजमत की मोबाइल की तरफ से, आज मैं 31 साल का हो गया, मेरे लिए कुछ तोहफा लाया लियो डायपर की तरफ से, सैनिक की मोबाइल की तरफ से ये लीजिए। मेरी बहन एपीजी की तरफ से बैठे रहेंगे जो खड़ा होगा, सैनिक की मोबाइल की तरफ से, अंडे की तरफ से ये लीजिए आंटी आपके लिए, ये लीजिए आंटी सैनिक की मोबाइल की तरफ से। थैंक यू बेटा सैनिक की मोबाइल की तरफ से भाई जी। सांगड़ वालों की तरफ से, सांगड़ वालों के लिए तालियां होनी चाहिए। डैड पार्क की तरफ से ले लीजिए अंकल, ले लीजिए क्या बड़ा मैदान स्पाइसिस की तरफ से ले लीजिए, बड़ी पहले ले लीजिए अंकल, ले लीजिए हाँ बेटा ले लीजिए, चले जी ये पकड़ो बेटा आज रख। अच्छा जी खुल गई किस्मत में, दोनों फैमिलीज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दोनों को बताना चलूं, अबिया ईमान और शबाना की फैमिली। अबिया ईमान कौन है और शबाना कौन है? आप अभी हैं माइक पे, माइक पे बोलेंगे। ये बच्ची अभी है। अरे वाह क्या बात है, क्या ये बच्ची आप मुझे दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अरे वेरी नाइस वेरी क्यूट। सबसे पहले तो इस बच्ची के लिए बहुत सारी तालियां बजाए, क्या नसीब पाया इसने। अल्लाह आपके नसीब और भी अच्छे करे, और आज आपके नसीब से हो सकता है अम्मी अब्बा जो है वो यहाँ से गाड़ी लेके जाएं क्यों मोबाइल की 7,500 रुपए की। पप्पी तो कर दो एक अच्छी सी, मोहिनी लगा रही यार क्या बात है यार बच्ची यार। मैं टोपी उतारूं फिर पहचानोगी? कहते हैं 2 साल के बच्चे भी पहचानते हैं मुझे आजकल। अच्छा देखो कैसा लग रहा हूं। हेलो मैं ठकी टिकी अंकल, यू नो मी? नो नहीं भाई ठंडी बच्ची है, कोई बात नहीं ये पकड़िए ये लीजिए। अच्छा जी माशाल्लाह से आज दोनों फैमिलीज को यहाँ पे मौका मिला है कि आप लोग खुल गई किस्मत में क्यों मोबाइल की 7,500 रुपए की गाड़ी लेकर जाएं यहाँ से। लीगो बेबी डायपर्स की तरफ से, ये नया है लीगो बेबी डायपर्स की तरफ से नई, हमारे सामने माइक खड़ी हुई आप देखें ये आप लेकर जा सकती हैं। यूनिक की मोटरसाइकिल ले जा सकती हैं, हीरो की मोटरसाइकिल ले जा सकती हैं, पूरी मोबाइल के लिए क्यों मोबाइल ले जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनामात हमारे पास है, मैं टॉस करूंगा। सबसे पहले आप बताइए सर करते क्या हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। कौन सी कंपनी? KM इंटरनेशनल। वेरी गुड सर, आज आपको मौका मिला है, देखते हैं आज आप यहाँ से क्या लेकर जाते हैं। बताइएगा ए या बी, बताइए। ए। ए। और ये कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ यार। अरे भाई और बी, आप टॉस हार गए, कोई बात नहीं पहली बारी है आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। आप परेशान हैं थोड़ा सा, घबरा रही हैं? परेशानी है कोई टेंशन है? नहीं, नहीं। शबाना कौन है आप में से? आप शबाना, आप परेशान क्यों हो रही है? नहीं। आप इतनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, पहली बात तो तालियां बजाएं इनके लिए, कितनी प्यारी लग रही है आज। इन सब के नाम बताइए मुझे, माइक ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। शबाना ये इनशराफ अलक है। ये क्या क्या? इनशराफ अलक। इनशराफ अलक, अच्छा ठीक। और ये आयशा। और ये यशरा परी। जी यशरा परी। यशरा परी कहाँ से ढूंढे आपने नाम? इसका क्या मतलब है इनशरा? ये कुरान पाक की सूरत का नाम। वो तो ठीक है, मतलब क्या है माशाल्लाह? बस कुरान पाक की सूरत, मतलब नहीं पूछा। और इनका यशरा परी है, मतलब पता है? मुझे भी नहीं पता। हाउस स्वीट, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात का मतलब पता है कि आज आपके पास 5 बारियां हैं। 5 बारियों में आज आप अपनी किस्मत को यहाँ से और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। किस्मत आपकी अच्छी है, इतने सारे लोगों में आज आप यहाँ पर खड़ी हैं, इसका मतलब है किस्मत ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मुझे बताइए 5वीं बारी में से पहली बारी कौन सा बॉक्स खोले आपके लिए, हुक्म करें। कहाँ है मेरी फोटो? ओ अल्लाह मेहरबानी की आप लोगों ने, आज इन्होंने मेरी तस्वीर कहीं लगाई है, कहाँ लगाई? अरे वाह मेरी तस्वीर लगा दी आते यार, भाई की टीम के लिए ताली हो जाए। अब मेरी तस्वीर के अंदर अगर अंडा निकला ना छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। जी अब मेरी तस्वीर सोच समझ के खोलिएगा जी, क्या करें हुक्म करें। पहली बारी बिस्मिल्लाह। छह। पानी पिलाऊं आपको? नहीं। पक्की बात है? नंबर 6 आपने कहा, नंबर 6 मोहिब मिर्जा, देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं। 1, 2 और ये और यूनिक की बाइक। ये लीजिए आपकी यूनिक की बाइक आ गई है।
हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है आपकी गाड़ी भी निकलेगी ना तब भी आपको खुशी नहीं होगी। इसलिए अब आप मुझे खुद के हंस के दिखाएं। पहले तो सारे खुशी बहुत है बोले, हंस हम बहुत खुश हैं, ऐसा बोले बोले नहीं ऐसा बहुत, बहुत खुश है। अरे वाह, तालियां बजाएं। अब शबाना बोलेंगे, आप बोले मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश। अरे वाह, अब गाड़ी निकलेगी तो और ज्यादा चिखवाऊंगा आपको, याद रहे ठीक है। अब कुछ निकले ना तो मुस्कुराइएगा, वरना मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कैसा लगा भाई? यूनिक की मोटरसाइकिल निकल गई। अच्छा, लड़कों अगली बाइक तैयार करके, खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। आप लोगों के लिए क्यों वाली की गाड़ी कौन से डब्बे में से निकालूं, जल्दी बता दे। सेवन, नंबर सेवन। समी खान, समी खान देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आया है। एक, दो और ये क्यू मोबाइल, क्यू टैब, क्यू हंड्रेड, क्या बात है, क्या क्या निकल आया? एक ही है, टैब निकला है सर आपका पहले ही झटके में, वेरी नाइस। ये लीजिए, मुझे पता भी नहीं, ये लीजिए। यूनिक की एक बाइक निकल गई, क्यू टैब निकल गया। आंटी आपका भी टाइम आएगा, मुस्कुरा तो दे आंटी। आंटी ऐसे देख रही है यूं करके, ये कमीना इधर दिया जा रहा है, हमारी तरफ आई नहीं रहा। आम का आंटी, आम का, अब अच्छे से मुस्कुराए। ओह स्वीट आंटी, आई लव यू। जीतना, क्या हुआ, किसी कोई बोला? हाउ स्वीट, क्या कह रही हैं आप, हुक्म करें। नहीं, मैं इनसे बोल रही हूं। जी मुझे बताएं ना कौन सा नंबर खोलूं, जल्दी बताएं। 20 नंबर, नंबर 20, नंबर 20 में क्या है भाई? नंबर 20 में मोमर राना मोमी देखते हैं क्या है। मैं आपको कहता हूं सोच लो। तीन नंबर है, तीन, इतनी जल्दी, अभी रुक तो जाए, अभी जलसा चल रहा है। नंबर तीन पे क्या है? बशीर मेमन माई फ्रेंड, खोल दूं, खोल दूं। एक, दो और ये इतनी मुस्कुराहट तो आपकी बाइक पे नहीं निकली थी जितनी अंडे पे निकली है। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में अंडा बहुत कीमती है, बाइक से ज्यादा अंडा। ये लो बेटा पकड़ो, वेरी गुड। अब सुबह इसका ऑमलेट बनाना, ठीक है। और इन दो जिनके मुझे नाम अभी तक याद नहीं हुए, आयशा तुम्हारा नाम है ना, मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया। अब मैं आयशा से ही बात करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे नाम नहीं याद होंगे पूरे शो में। आगे बढ़ते हैं जनाब, अंडा निकल गया। जी सर, आपके लिए कहां से निकालूं, टमाटर आलू? आंटी आंटी हुक्म करें। आंटी इन्होंने आपको वजन पकड़ा दिया, कैसे लोगे ये लोग, पकड़ो खुद पकड़ो। जी वो जिसपे आपका फोटो लगा, जिसपे मेरा फोटो, मरवाओगे तुम लोग सर। 99 देखते हैं जनाब, मेरे फोटो के पीछे क्या है, बताओ भाई फोटो के पीछे क्या है, मेरे फोटो के पीछे क्या है? अरे मेरे फोटो के पीछे ब्रेक है भाई, एक ब्रेक में जाते कहीं जाएगा मत, फिर भी राइट बैक। की है दूसरी बारी और आंटी आपने कहा मेरा वाला डब्बा खोलो, तो देखते हैं कि मेरे वाले डब्बे में क्या निकलता है। दिल थाम के बैठिए खवातीन हजरात, क्योंकि मैं आज पता नहीं क्या होने वाला हूं। एक, दो और ये, और सैनकोर की तरफ से फैन, केटल और सैंडविच मेकर। शुक्र है भाई अंडा नहीं निकला, अगर अंडा निकलता तो मैं बहुत मारे हो जाता। ये लीजिए, ये लीजिए, ये रखिए यहां पर। ओके, वैसे तो ये मेरे डब्बे से निकला है तो ये मेरा होना चाहिए सामान, लेकिन कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। आपकी है बारी नंबर तीन, आपने एक अंडा और एक यूनिक की बाइक निकाली है। अब बताइए कि आपके लिए और आयशा और दो बच्चियां जिनके मुझे नाम कभी याद नहीं होंगे, तो बताइए क्या निकाले, क्यों वाली की गाड़ी कौन से डब्बे में है, बताइए वो डब्बा, अभी निकाल देते हैं फटाफट से। क्विकली क्विकली, 12 नंबर, 12 नंबर, 12 पे क्या चुना है आपने, खोल दूं। एक, दो और ये, और हीरो की बाइक। आपसे ज्यादा तुम्हारी पब्लिक खुश है, उनको तो कुछ मिलना भी नहीं है।
आप खुश, आप बोले मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। आप बोले, आप मुझे बोले कि फहद भाई आप बाइक जीते, बोले आप फहद भाई आप बाइक। ओह माय गॉड, यस, जब मुफ्ते की बाइक निकलती है तो इंसान ऐसे खुश होता है, मुफ्ते की तो सुई पे भी खुश होता है आदमी। आप दो दो बाइकों पे खुश नहीं हो रही, तालियां बजाने के लिए बहुत सारी। नहीं, भूखे पेट आपने मुझे बचा दिया। ले लीजिए हीरो की बाइक, माशाल्लाह। आयशा और बच्ची ए और बच्ची बी, ठीक है, माशाल्लाह से दो दो बाइक जीत गए। अब आप लोग बताइए, मुझे लगता है आप गाड़ी निकाल के जाएंगे आप यहाँ से आज। क्या करें सर? 21 अगर आपकी गाड़ी निकली तो हम तीनों इतना नाचेंगे, इतना नाचेंगे कि घुंघरू तो नहीं आज हमारे पास, हम ये स्टेज तोड़ देंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि वैसे ही मैं लाहौर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, दोबारा बन जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कहा नंबर 21, नंबर 21 शहजाद शेख माय फ्रेंड, देखते हैं शहजाद आपके लिए क्या लेकर आया है। एक, दो और ये, और लाल किला की तरफ से 50,000 रुपए का पैकेज। देखा देखा, इतने अच्छे लोग हैं, आओ आओ मजीद खुश होके दिखाओ। अरे चल चलिए, आपने गाड़ी पे बात की थी, अभी गाड़ी आएगी, चल कैसे नाचेंगे। आपको पता था बच्चों में इतना टैलेंट है, अल्लाह आपको भी खुश रखे। हम तीनों कभी भूखे नहीं मरेंगे मेरे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, हमें आता है। चले जी आगे बढ़ते हैं जनाब, नंबर बारी आपकी है चौथी, बेटा नंबर ए, क्या कहना चाहती हो तुम? नंबर 18, नंबर 18, नंबर 18 पे है हमारे प्यारे अफजल। एक, दो, सोच लो, सोच लो, दो दो बाइक्स निकालनी है आपने, इसके लिए अब एक अच्छी सी गाड़ी भी निकाल लें। इतना सन्नाटा, फिर मुझे नाच के दिखाना पड़ेगा, मैं थक गया हूं अब पता है। अच्छा वैसे दिल पे सच सच बताइए, मैं कैसा नाचा? अच्छा नाचे तो बहुत अच्छा। मुझे एक मिनट यार, मैं अगली फिल्म में मुझे आइटम नंबर मिलेगा ना, हीरोइन के तौर पर मुझे मिलेगा ना? आप मेरे जवाब भी नहीं दे रही यार, आप इतनी सीरियस, वो पता है मुंह ही नहीं लगा रही, वो अपना सोच रही है मैं डब्बा कौन सा खोलूं, ये तो बोलता रहेगा। चले खैर आप बता दें, लेकिन आइटम नंबर मेरा पक्का है अगली फिल्म में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हीरोइनों से तो हो नहीं रहा आजकल। क्या करें जल्दी बताए? नंबर टू पे क्या है भाई? नंबर टू पे इमरान अब्बास, इमरान अब्बास देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको बोलूं, सोच लें, सोच लो, अब नहीं बोलूंगा। जी 11, अगर आपने अपने डब्बे पे रहना है तो आप रह सकती हैं, मैंने तो आपको बोल दिया। बारी नंबर है आपकी 4, 11, नंबर 11, नंबर 11 पे देखते हैं आपके लिए क्या है। एक, दो और देखिए, मैं दो दफा आपको बोला सोच लो, तीसरी दफा अब आप घर जाके लड़ेंगी ना दोनों, मैं समझ गया हूं। ये लो बेबी नंबर बी, ये ले लो प्यारी मशरूम मेरी बच्ची। जी सर, बारी नंबर है आप लोगों की नंबर 4, गाड़ी अभी भी वैसी की वैसी जूं की तू है, और मैं चाहता हूं कि आज आप में से कोई एक फैमिली गाड़ी यहां से लेकर ही जाए, क्योंकि अगर आप में से कोई लेकर नहीं गया तो मैं उसे बात बनती है मैं डाल दूंगा। चलें जल्दी बताएं क्या करें, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? 16, नंबर 16, नंबर 16 पे शहरोज, अबे सोच ले यार, सोच ले भाई, सोच ले। 22 हैं, नंबर 22 शमोन अब्बासी, दो बार आपको बोला सोचने का, एक बार बोला सोच लो,
आप नहीं बोलो 70 नंबर 17 ऐसे सोच के रखे हुए इन्होंने, देखते हैं जनाब क्या है। एक दो और ये, और यूनिक की तरफ से मल्टी फंक्शनल फूड प्रोसेसर और आयरन। एक एक बारी आप दोनों की रह गई है और गाड़ी भी एक रह गई है। या तो ये इन लोगों की बद्दुआएं हैं जो ये चाहते हैं कि ये गाड़ी अगले सेगमेंट में चली जाए, कि आप लोगों को मिल नहीं रही। आप इनसे बोले भैया दुआ करो, सबको बोले दुआ करो प्लीज हमारी गाड़ी निकला, कसम से घर शर्मिंदा होंगे ना दिल में अंदर से, तो कर देंगे दुआ। आप बोलेंगी नहीं, आप तो मुझे तो मुंह नहीं लगा रही भाई, हद हो गई यार। चले खैर कोई बात नहीं, क्या करें, हुक्म करें मेरी बहन। बताए ना शबाना पा, आप बताए ना। मैं क्या बताऊं, मैं तो आपसे जब से बात कर रहा हूं आप मुझसे बात ही नहीं कर रही। आप बता दें। मैं क्या बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इनमें से किसी एक डब्बे में क्यों वाली गाड़ी है। मेरे डब्बे के अलावा, मेरे डब्बे में तो पता नहीं क्या इन्होंने स्त्रियां रखी हुई थी। आपका डब्बा तो खुल गया ना। मेरा डब्बा खुल गया, मैं आया हो गया लोगों पे। क्या करें आप, कसम से आज शो खत्म करना है, हट जाओ मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आपकी आखिरी बारी, आप अपना नंबर बताइए। 5 नंबर 5 लॉक हो गया, आप बताइए। 4 नंबर 4 और नंबर 5 देखते हैं नंबर 4 और नंबर 5 पे आपके लिए क्या है। आपने कहा नंबर 4, 1 2 और ये, और क्यू मोबाइल की तरफ से G100 पूरी फैमिली के लिए, और नंबर 5 आपके लिए खोलने जा रहा हूं, 1 2 और ये, सैनकोर की तरफ से टोस्टर, हेयर ड्रायर और हेयर क्लिपर। तो बताओ लोगों, गाड़ी कौन से डब्बे में है, जो बताएगा गाड़ी कौन से डब्बे में है उसको गाड़ी की तस्वीर दूंगा। बताइए नंबर 2, आंटी कह रही है 1 1, आप क्या कहती हैं? नंबर 1 आप क्या कहते, क्या कहते हो? आओ मेरे दोस्त, मेरे इस दोस्त ने जो नंबर बताया वो ये खुद ही खोल के आपको दिखाएगा और क्यू मोबाइल का हकदार होगा। ले ले मेरे दोस्त, खोल देखें और देखिएगा जरा, खोलो बेटा डर क्यों रहे हो, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें गाड़ी की तस्वीर दूंगा, ये लो गाड़ी की तस्वीर और क्यू मोबाइल हमारी तरफ से, बहुत सारी तालियां मेरे दोस्तों। अच्छा जनाब, 1,25,000 का कौन खेलना चाहता है, तो अपने वाउचर्स अपने हाथों में ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि 5 खुशनसीब लोग होंगे जो कि हमारे साथ आज यहां पर 1,25,000 का खेलेंगे। आइए जनाब वाउचर्स उठा लीजिए अपने हाथों में, जो पहले आ चुके हैं प्लीज दोबारा मत आइएगा। 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये ऊपर ही अटका हुआ, चलो 5। अच्छा जी, जो पहले आ चुके हैं प्लीज दोबारा मत आइएगा। सबसे पहला नाम है फातिमा अदनान 32020। कौन है फातिमा अदनान, आइए जल्दी से आ जाइए बेटा। अगला नाम है मासूमा मीर 5819। मासूमा मीर आई, अरे आंटी। उसके बाद अगला नाम है शाहिदा 33414। शाहिदा कौन है, 33414, कहां है शाहिदा, आइए आंटी जल्दी से आ जाइए शाहिदा पा। उसके बाद 5742 अफशीन यूसुफ कौन है, अफशीन यूसुफ कहां है, अफशीन यूसुफ अभी तक नहीं आ रही, आ रही है अफशीन यूसुफ जल्दी आ जाए। और आखिरी नाम है, सारी खवातीन माशाल्लाह आज निकली, 33413 कुरतुलैन कौन है, कुरतुलैन कहां है, जल्दी आ जाइए। अरे यार सवाल करते हैं आप लोग, अरे मेरे जान पाकिस्तान के बाशिंदे कैसे हो, तुम्हें तो इसी बात में मोबाइल दे दूंगा यार, क्या बात करोगे, ये लो क्यों मोबाइल तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल करेंगे मेरी बहन, क्या चाहती हैं आप, आए चले खड़ी हो जाए सेल्फी लेते हैं, कम ऑन, ये देखिए रुक जाओ जज्बाती, पहले मुझे एक खिंचवाने दो, आहिस्ता आहिस्ता खिंचवाऊंगा, ये पकड़ो तुम जरा, सवाल का जवाब भी तुम्हें पता चल गया है अब। अच्छा जी ये देखिए जनाब, हम सेल्फी लेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वेरी नाइस, ये लीजिए बैठ जाइए, 500 रुपए निकालिए फटाफट से। अच्छा जी आंटी आपसे सवाल करता हूँ, आंटी आप अच्छी लग रही है, आंटी ये लीजिए पहली बूझे,
हम सोए वो जागे, उसे देखकर चोर भागे। इधर क्या देख रही आंटी, वो थोड़ी है वो। आंटी क्या कर रही है आंटी, प्लीज ऐसा मत करो। आंटी हम सोए वो जागे, उसे देखकर चोर भागे। क्या आंटी ने बता दिया, आंटी आप बोले चौकीदार। सही जवाब आंटी, वाह। ये लीजिए, अरे बेटा गिर गया, कोई बात, ये लीजिए आंटी क्यों वाल। और आंटी आप भी हमारी आंटी, आपको खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। ये लीजिए क्यों वाल आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अंकल आपसे सवाल करूंगा। अंकल, अंकल आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से? अंकल बताइए, बताइए सबसे लंबी, बेटा माइक तो दे दो, आंटी ने हमारा माइक भी रख लिया। आंटी, आंटी, आंटी आप क्या कर रही है हमारे साथ। ये लीजिए आंटी, सबसे लंबी छलांग किस जानवर की है? सबसे लंबी छलांग किसी पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिएगा। जी चीता। क्यों, कौन? अंकल चीते, चीते की तो नहीं होती अंकल, आपको चीते की लगती है? कोई बात नहीं अंकल, आप भी चीते लगे मुझे, कोई बात नहीं। ये लीजिए क्यों मोबाइल आपके लिए। अरे वाह, एक तो ये आइंदा से कभी अंकल नहीं लिखना, कोई अंकल नाम की चीज नहीं होती हमारे मुल्क में। ये पकड़ो माइक, ये पकड़ो, ये पकड़ो, और मुझे क्यों मोबाइल दे दो। चलो बेटा मेरी तारीफें करो फटाफट से, एक मिनट, एक मिनट तारीफें करो मेरी। चलो तारीफ करो मेरी, बहुत अच्छे और आई लव यू। ओ माय गॉड, आई लव यू टू। ये लो, ये लो, चले आगे बढ़ो, नहीं चाहिए, क्विकली क्विकली आगे बढ़। हाँ मेरे दोस्त बैठ जाओ, ये लीजिए बोल आसमी की तरफ से, जैनपुरी मोहल की तरफ से, यूनिक की तरफ से, ये लीजिए मेरी बहन, ये लीजिए आंटी आपके लिए। लाओ बेटा, ये पकड़ना, ये पकड़ना, ये चले जी, ये लीजिए अंकल आपके लिए, बोल आसमी की तरफ से आपके लिए, ये लीजिए आपके लिए, एबीजी जीत की तरफ से, आलसो बटैली और एसपीजी की तरफ से, जैनपुरी मोहल की तरफ से, ये लीजिए, ये लीजिए जैनपुरी आंटी, ये लीजिए आपके लिए, ये लो मेरे दोस्त आपके लिए, ये लीजिए, नहीं एक मिनट नाश्ता, ये ले एसपीजी की तरफ से, और ये लीजिए हजवा कुकिंग ऑयल की तरफ से, ये लो बेटा कोको पान मसाला की तरफ से, भाई ये लीजिए इस तरफ आएंगे, चलो जी ये लीजिए एसपीजी जींस की तरफ से, दे दो दे दो दे दो, लाइफ बॉय की तरफ से दे दो, ये भी तीन चार दे दो, ये लीजिए जैनब कुकिंग ऑयल की तरफ से, और ये कॉल आशमी की तरफ से। एक मिनट मेरी बहन, अभी आ रहा हूं। ओके जनाब, सबसे पहले हमारे साथ है फातिमा अदनान। सबसे पहले ट्रेन चलाएंगे, बहुत दिनों के ट्रेन नहीं चली। एक दो तीन स्टार्ट, आइए चुक 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 चुक, पाकिस्तानी ट्रेन है आंटी, आइए ना चुक 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 चुक, हाथ ऐसे चुक 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 चुक, मालगाड़ी नहीं है ये ट्रेन है, चुक 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 चुक। तालियां होनी चाहिए सबके लिए। आप लोगों के आश्रय पे अगर मालगाड़ी को हमने सामान डाल दिया, कभी नहीं पहुंचेगा रास्ते में, रास्ते में ही बर्बादी होगी। फातिमा बहुत खुश नसीब है आप, लाख रुपया कैश मेरी जेब में है, ये देखिए, बल्कि मेरे हाथ में आ गया, अब मैं ये पकड़ाऊंगा आंटी को। आंटी ये लीजिए आंटी, आंटी अभी देखिएगा होता क्या है, इतना मजा आएगा। मासूमा आंटी, मासूमा आंटी, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको कि फातिमा यहां से कितने पैसे लेके जाएगी? माइक इतना गौर से देख रही है, रिश्ते की बात थोड़ी कर रहे हैं। 20,000 तो ले जाएंगे हैं? 20,000 तो ले, 20,000, अच्छा चले। फातिमा ये कहती हैं आप यहाँ से 20,000 लेके जाएंगे, अब देखते हैं ये अपने हाथों से आपको एक एक सवाल के 10,000 रुपए देंगी। अब आपसे पहला सवाल करने जा रहा हूँ, 10,000 रुपए का सवाल है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताइए फातिमा, पहला वजीर आजम फातिमा, सबसे पहला फातिमा, फातिमा 20,000 तो ले जाओ कम अज कम। आंटी आप इधर उधर मत पूछे आंटी, चीटिंग नो आंटी जी। फातिमा, फातिमा आंटी बच्ची की मदद कर दे बेचारी, अल्लाह मैं नहीं देख रहा, चले मेरा मुंह इस तरफ है, चले लियाकत अली खान। अरे वाह, आंटी अपने प्यारे प्यारे हाथों से 10,000 रुपए कैश दे दीजिए मेरी बहन को, तालियां होनी चाहिए। देखा आंटी का नाम मासूमा है, आंटी ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, खुद जवाब बताया, वरना अभी खुद खड़ी होती है आगे। कोई बात नहीं आंटी, ये पाकिस्तानियों का दिल है, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगला सवाल आपसे कर रहा हूं, अब आपको कोई नहीं बताएगा, बताइएगा नेरवन कोट पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? आईता, ये तो आंटी को भी नहीं पता। आंटी आपको पता है? आपको पता है आंटी, मुझे मैंने पढ़ लिया। मैं भी पढ़ के बता सकती। अच्छा हाउ स्वीट, क्या करे आता है, सारे मिलके बोलेंगे फातिमा को।
बताइए फातिमा, वेरवन कोर्ट का पुराना नाम जो है वो कौन से शहर का ये नाम था? वो हैदराबाद का नाम था जनाब। अब आगे बढ़ते हैं आंटी मासूमा, अपने 80,000 रुपए आपने शायद शायद आंटी अस्सलाम वालेकुम, शायद आंटी क्या लगता है आपको मासूमा आंटी कितने पैसे लेके जाएंगी माइक में बताइएगा? ये तो अल्लाह जानता है। चले अब देखते हैं, सवाल पूछते हैं मासूमा आंटी से। बताइए, 1 किलो लोहे और 1 किलो रुई में ज्यादा वजन किसका होगा मासूमा आंटी? बराबर होगा। सही जवाब। 10,000 रुपए कैश दे दीजिए आंटी, 10,000 रुपए दे दे आंटी, पास मत दीजिएगा अपना, 10,000 दीजिएगा, ये 5,000 और ये 10,000, तालियां। ओके, अगला सवाल आपसे, 70,000 रुपए अभी भी बाकी है मेरे पास। दुनिया का सबसे बड़ा पुल किस मुल्क में है? इधर उधर मत देखिए, चीटिंग करना बुरी बात होती है मासूम आंटी। मासूम आंटी कम ऑन, आजकल हर चीज वहीं से आ रही है। फ्रांस से आ रही है आजकल। चीन। क्या करें, माने ना माने, चीन। चले माना, 10,000 रुपए आपके हुए, दीजिए। 60,000 रुपए अभी भी मेरे पास बाकी है मासूम आंटी, आपके पास 60,000 रुपए बाकी है मेरे। शाहजहां मस्जिद सिंध के किस इलाके में है मासूम आंटी? सही जवाब। कैसे देख रही हैं आप? कैसे देख रही, चेक करो, यू खड़ी हुई पैसों को यू देख रही। कुरतुलैन आएंगे आएंगे, बारी आएगी, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं अगले सवाल, 50,000 रुपए अभी भी मेरे पास बाकी है। सोलर एनर्जी को उर्दू में क्या कहते हैं? ये जो वही शमसी तवान है। सही जवाब। शायदा आंटी 40,000 रुपए जीत गई मासूमियत में, 40,000 रुपए ले गई हमसे। आप चेक करें क्या बात है, अभी भी मेरे पास 40,000 रुपए बाकी हैं। आप यहां से 80,000 ले जा सकती हैं और कुरतुलैन ऐसे ही जलती रह जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। अगला सवाल आपसे करूंगा, दूसरा T20 वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? इधर उधर मत देखें, चीटिंग करना बुरी बात होती है। जी पाकिस्तान। सही जवाब। 50,000 रुपया कैश जीत गई है, तालियां तो बजाएं यार। मुझे क्या पता था मासूम आंटी आप हमें इतना बड़ा चूना लगा के जाएंगी यार। जी जना बताइए, बैरोमीटर किस काम आता है? हवा का दबाव। सही जवाब। कुछ कहना चाहेंगी? सिर्फ 20,000 रुपए बाकी है मेरे पास, 60,000 रुपए चले गए माइक में, बोले वैसे भी जाना चाहती हूँ। अल्लाह, अब देखें क्या करती हैं आप मासूम आंटी। 20,000 रुपए बाकी हैं, 2 सवाल बाकी हैं और हो सकता है आप ये दोनों सवाल सही बता दें हमें। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 100,000। सारे मिलके मासूम आंटी को बोलेंगे बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, 60,000 रुपए जीत गई मासूम आंटी। ओके जी, 1.6 किलोमीटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आपसे शायद आंटी, देखते हैं 10,000 रुपए आप जीती हैं या नहीं जीती हैं। लेकिन आप तीनों यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप तीनों के साथ क्यों मोबाइल हमारे पहले ही चले जाएंगे। दुनिया का सबसे सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है शायद आंटी? कछुआ। जी कछुआ। वैसे बहुत सारे लोगों को कछुआ आता है, वो कहानियों में होता है, चले मैं मान लेता हूं सही। 10,000 रुपए आपके हुए। वैसे घूंगा होता है, घूंगा सही जवाब होता है। ये लीजिए 10,000 रुपए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, कहीं जाइएगा मत, जीतो पाकिस्तान। ओके, तो मासूम आंटी क्या खा रही हैं आप? हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, इतना तो हिस्सा बनता है यार मेरा, वेरी नाइस। तो बात बनती है कौन खेलना चाहता है जी? अपना वाउचर अपने हाथों में, वाह क्या बात, 10 तोला सोना यार भाई स्पीड डेमेंट की तरफ से, देखते हैं वो कौन खुश नसीब है। याद रहे आज इसके अंदर क्यों मोबाइल की गाड़ी भी है और इसके अलावा सुपरस्टार की बाइक भी है, किसी एक डब्बे में तालियां तो बजाओ। एक और ये 2 और ये 3 और ये जनाबे अली, अच्छा 3 के बाद 4 आता है, 4 और ये 5 और ये 6
और सात। नाम से ज्यादा प्लीज नंबर पे फोकस कीजिएगा और अच्छे बच्चों की तरह जो पहले आ चुके हैं वो प्लीज दोबारा ना आए ताकि सबको बराबरी का मौका मिले और सब लोगों को जो है वो प्रॉपर चांस मिले। सबसे पहला नाम है जनाब मिस्टर रफीक साहब 33214। मिस्टर रफीक कौन है? मिस्टर रफीक आइए सर जल्दी से। उसके बाद अगला नाम है 5750 इरम फातिमा। कौन है इरम फातिमा? इरम फातिमा आइए जल्दी से। उसके बाद अगला नाम है 31995 शकीला बेगम। यार बड़ा ये तो नाम भी आप है आए ना जल्दी से आ जाए। उसके बाद अगला नाम है 5829 समीना बदर आइए समीना बदर जल्दी आ जाइए। उसके बाद अगला नाम है 33476 यशरा। कौन है यशरा? लिखा हुआ यशरा कहां है जी? कहां येरी? कहां की आवाज आई येरी? आ जाओ बेटा जल्दी से, आप आ चुके हो बेटा पहले, दूसरा निकालो, आप आ चुकी हैं पहले। अब अगला नाम 5747 फैसल जिया उस्मानी आइए। उसके बाद 33149 इरम। कौन है 33149 इरम? कहां है इरम आपा या इरम बहन? आप नीचे आ जाओ बेटा फटाफट से। इरम आपा कौन है? आप आइए जल्दी से आ जाइए मेरी बहन। आखिरी नाम जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नंबर पढ़ रहा हूं, सरफराज नाम है शायद 33468 सरफराज आइए सरफराज जल्दी से आ जाइए। बहुत सारे लोग स्केचेस बनाकर भेजते हैं, बहुत बुरे बुरे बना के भेजते हैं, लेकिन इस बच्ची ने मुझे दूर से दिखाया, इतना खूबसूरत स्केच इसने बनाया। इसको माइक दीजिएगा बेटा। किसने बनाया ये? आपकी बहन का क्या नाम है? समरा। कहां है? समरा आई है? समरा घर पर है। मैं समरा को घर बैठे इस स्केच की वजह से एक यूनिक की बाइक दे रहा हूं। समरा थैंक यू सो मच बेटा एंड यू वेरी टैलेंटेड, आप इसे जरूर हमेशा परसू कीजिएगा, आप एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेंगी इस मुल्क की। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास सात लोग यहां पर आ चुके हैं, सात खुशनसीब लोग यहां पर मौजूद हैं और खुशनसीबी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आज क्यू मोबाइल की गाड़ी भी इनमें से किसी एक डब्बे में मौजूद है और सुपरस्टार की बाइक किसी एक डब्बे में मौजूद है। जिसके पास वो डब्बा निकला जिसमें सुपरस्टार की बाइक होगी वो बाइक उसी की होगी, लेकिन गाड़ी सिर्फ उसी की होगी जिसके पास यहां पर डब्बा मौजूद होगा। लेकिन इसके अलावा आप लोग यहां से डीलिश की तरफ से, वॉकीज की तरफ से और आमना इस्माइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स लेकर ही जाएंगे और ब्लू स्टार की तरफ से भी। मेरे पास चिप्स खाना बंद करो, ललचा रहे हो तुम लोग मुझे और तुम्हारे अंदर गुंजाइश नहीं है मेरे दोस्त मजीद चिप्स खाने की। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जनाब, सात पर्चे, ये देखो मुंह में पानी आ गया मेरे, सात पर्चियां मेरे पास यहां पर मौजूद हैं, आप में से कोई भी हो सकता है जो कि आज मेरे साथ यहां पर ARY स्पीड लिमिट की तरफ से 10 तोला सोना जीतेगा या फिर उसके लिए हमारे साथ खेलेगा। अल्लाह लाहौर से आइया, एक पर्ची निकाल दे, कोले पर्ची दिखाएं उधर। नंबर 5 पे कौन खड़ा है? आप आएंगे, आइए जल्दी से आ जाइए। फैसल साहब सरफराज साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? यहाँ पर खड़े हो जाइए। सरफराज साहब क्या करते हैं आप? क्लियरिंग एजेंट। वेरी गुड, आप क्या क्लियर कराएंगे? इधर खड़ो ना, इधर खड़े जाओ। गाड़ियां भी हैं जनाब, जनरेटर्स भी हैं। कोई गाड़ी बाहर से मंगवा दो यार, है ना? आप कहें पक्की बात है? पक्की बात, चलो डन हो गया। कौन आया साथ में आपके? मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, मेरा बेटा आपसे मिलना चाह रहा है। कहाँ है आपका बेटा? अयान नीचे है बाबा। बेटा बाबा कम डाउन, बाबा वेयर आर यू? बाबा नीचे चला गया ऑलरेडी, बाबा तो नीचे चला गया ऑलरेडी। आ रहे हैं। कहाँ? वॉशरूम चला गया यार। मेरे शो में लोग आके वॉशरूम क्यों जाते हैं भाई, मैं समझ गया। अच्छा चले, जब तक वो फारिग होके आता है तब तक हम शो शुरू करते हैं। याद रहे भाभी भी यहाँ पर है, भाभी के पास माइक है, भाभी को माइक दे। वही है, वो मेरे ख्याल में नीचे गई है। आपके ख्याल में? आपकी फैमिली इधर उधर घूमती फिर रही है, आपको पता ही नहीं है। क्या कर रहे हो दोस्त? कहाँ भाई? कहाँ भाई?
कसम से जीतो पाकिस्तान वो कमाल का शो है जिसमें लोग आके इस सेट को अपना घर समझ लेते। कहाँ भाई मैं नहा रहा हूँ, शैम्पू तो दो। अच्छा चले भाभी आ जाएंगी और बाबा भी आ जाएगा। बाबा का नाम क्या है? मोहम्मद आयान भी आ जाएंगे, भाभी भी आ जाएंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो हम उनको ऊपर बिठा देंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपके सामने यहाँ पर 6 बॉक्सेस हैं सर। गेम आपने देख रखा है माशाल्लाह। आपने करना ये है कि एक एक करके ये बॉक्स खुलवाना है और किसी भी एक पॉइंट पे आप डब्बा एक्सचेंज कर सकते हैं। आप भाभी के बारे में सोचना छोड़ दें, आप छोड़ ठीक है, अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। किसी भी एक पॉइंट पे आप डब्बा एक्सचेंज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात मशवरा ले सकते हैं ऑडियंस का। ये मोहम्मद आयान है। मोहम्मद आयान क्या करके आए हो? लड़कियां देखना बंद करो, इधर आओ, मुझे देखो, आओ साथ में खेलेंगे। मुझे पहचानते हो? इधर देखो तो सही। फाद भाई मैं ठक्की टिक्की अंकल। नो ठक्की टिक्की करके दिखाओ। हैं? अच्छा ये देखो, ये ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठा। नहीं देखा? जलील करवाओगे ऑनर? ये दूसरा वाला शो देखता भाई, इसको वहां भेजो। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा बच्चा मुझसे मिलना चाहता है। बिल्कुल मिलना चाह रहा था। कहां मिलना चाहता है? वो तो पहचानता भी नहीं, नहीं आपने बेटा। शेक हैंड करें। अब देखो डांटेगा बच्चे को, जाओ ना मिलो ना। ठीक ठीक किया आपने। अच्छा छोड़ दो बच्चे को, जज्बाती ना करो। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 6 बॉक्सेस आपके सामने, एक एक करके आप खुलवाते जाएंगे और किसी भी एक पॉइंट पे आप डब्बा एक्सचेंज कर सकते हैं। आपकी किस्मत में आज की मोबाइल की गाड़ी भी हो सकती है, सुपरस्टार की बाइक भी हो सकती है और 10 तोला सोना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, बाकी जो आपकी किस्मत है। भाभी अस्सलाम वालेकुम। भाभी भाभी मतलब के 7-7 महीने इंतजार करते हैं और एंड टाइम पे बच्चे वॉशरूम ले आते हैं। नहीं वो रो रहा था अपने पापा के लिए। बात है, जब उसको आएगा तो रोएगा ना, ऐसा तो होता है। अच्छा भाभी आपके मियाँ का आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन है। आज यहाँ से ये 10 तोला सोना भी जीत के ले जा सकते हैं, क्यों वाली गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आज आप इनकी कैसे मदद करती हैं। सर जी सबसे पहले कौन सा डब्बा खुलवाएं? अल्लाह भाभी की सुनते हो। 7 नंबर 7। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी माइक उठाएं। आंटी क्या नाम है आपका? समीना बदर। समीना आंटी, समीना आंटी क्या है आपके पास? 5 तोला। इतना आप शर्मा के क्यों बोल रहे हैं? 5 तोला खुल के बोले। 5 तोला। 5 तोला है इनके पास। क्या करें सर? सरफराज साहब इनको लगता है कि इसमें आते बताएं। अरे अल्लाह भाभी की सुनूंगा। भाभी खुलवा दे। अच्छा अल्लाह क्या ये तो भाभी आपने ऐसे बोले जैसे कबूले बोले आपने। कसम से आप देखे अल्लाह कबूले, ये वो वाला था सर, वो तो पहले कह चुका। हाउ स्वीट, एक बार फिर कह रही है, अभी भी देखो बार बार इतनी प्यार करती है। कबूल है, कबूल है, आप भी बोलो, देख के बोलो, आंखें में आंखें डाल के बोलो, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वाह, और अगर 5 ग्राम निकला फिर पूछूंगा कैसे कबूले बोलते। अच्छा जी मोबाइल बंद कर दें अंकल आपका, क्योंकि आपका काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमें। आंटी ने कहा इसमें 5 तोला है, क्या करूं सर? फास्ट खोल दूं? बिस्मिल्लाह जी खोल दें। बिस्मिल्लाह करें। भाभी बोलिए। खोल ले वो। सारे मिलके बोलो। खोल दिया। अरे आंटी आप तो पीर हैं, आपका कोई नंबर नंबर है आंटी? तावीज आवीज देती हैं आप आंटी? नहीं है, बस अल्लाह से डरते नमाज पढ़ते हैं। क्या बात है, वाकई देखो वही वाली बात की इन्होंने। देंगे आइए जी जल्दी से दीजिए। बेटा क्या क्या बोला मैंने खुद मुझे याद नहीं। ये लीजिए, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हमारे मुल्क में आपके जैसी मासूम खवातीन अल्लाह करे सारी ऐसी हो जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब, क्या करें? 2 नंबर जनाब। नंबर 2 खोले, क्या होगा नंबर 2 में? मैं तो चाह रहा हूँ कि 1 ग्राम हो इसमें। आप तो चाह रहे फ्रेंच फ्राइज खत्म हो गई क्या? अरे 1 मिनट यार, फ्रेंच फ्राइज बचे हुए थोड़े से यार, तुमने पूछा नहीं ना दोस्त, बहुत अफसोस की बात है वैसे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आपने कहा नंबर 2 जी। सर माइक उठाएं, कैसे मजाक सर? अल्लाह करम है सर। क्या क्या आपके पास? 5 ग्राम। ग्राम खोल दें पक्का? सारे मिलके बोलो। येलो भाई खोल दिया। सुपरस्टार की बाइक जीत गए। ये पहले सेफ्टी का फर्स्ट, पहले आपको पहले सुपरस्टार हेलमेट पहन के सुपरस्टार की बाइक चलाएं ताकि आप अपने
अपने घर को सही सलामत सेफ्टी के साथ पहुंच, अब बैठ भी जाएं, आप तो बिल्कुल ही वो बन गए, नजर नहीं आ रहा। चले चले बैठे। सरताज भाई कॉले किसे मिला रहे हैं आप बार बार, बैठो। बहुत मुबारक हो सर, आपको सुपरस्टार की बाइक और सुपरस्टार का हेलमेट। 5 तोला निकल गया सर और 1 ग्राम निकल गया जी। अब बचा 7 तोला, 3 तोला, 10 तोला, 5 ग्राम और अल्लाह आपका भला करे 1 तोला। किसी भी एक पॉइंट पे आप डब्बा एक्सचेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। अभी बताइए भाई, हेल्प भी करनी है, मैं आपके शो में आए हैं, एंटरटेन भी हो रहे हैं। आप मेरे घर आए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, लेकिन शो में आप पता है, यू वेरी लकी, माशाल्लाह ऑलरेडी आप लकी हैं। एक तो 450-450 लोगों में से आप यहाँ खड़े हैं, फिर इन 7 में से भी आप निकल के आए और ये फ्रेंच फ्राइज मरवाएंगे, मुझे कसम से इतना मजा आ रहा है ना, और नहीं है अब मंगवाओ फ्रेंच फ्राइज। आओ बेटा भाग के लेके आओ, सारी डाइट की ना आप लोग, माशाल्लाह वेरी नाइस। चलो खाओ यार सरफराज साहब, थैंक यू, क्या याद करोगा। हाँ भाई, तो अब आप मुझे बताएं। हाँ माया भी भेजो। हाँ क्या करें बताएं। 6 नंबर। हाँ 6 नंबर से मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जरूर। नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, मेरी बहन क्या है आपके पास? 7 तोला। 7 तोला फ्रेंच फ्राइज खाएं, खाएं ना, कह रही है 7 तोला है। सर पे हाथ रख लिया, खोल क्या करें, खोल भी एक पॉइंट पे डब्बा एक्सचेंज कर सकते हो सरफराज, याद रखना। जी जी, ये मौका जिंदगी में तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जो कबूले कबूले बोला है, मैं चाहता हूँ ये इतनी खुशियों से तब्दील ना हो। बाबा ने बाद में भाभी ने अगर बोल दिया फजूल है फजूल है फजूल है, तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलो 6 खोल दे, नंबर 6 खोल दे। मेरी बहन आपने कहा था इसके अंदर है 7 तोला। भाभी आप क्या कहती हैं? आप हेल्प करें ना। हैं? मैं तो फ्रेंच फ्राइज खिलाया ना अभी उसको, इतने अच्छे खिलाए मुझे यहां से मिले। भाभी किसी भी एक पॉइंट पर डब्बा एक्सचेंज कर सकता है आपका, मैं आपका दिल क्या कहता है, इसको डब्बा एक्सचेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोले ना भाई, जोर दे रहे हैं, इसका मतलब है कोई बात है। हैं? मैं किस पे जोर दे रहा हूँ भाई, क्या बातें कर रहे हो? मैं तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज पे जोर दे रहा हूँ सिर्फ। जल्दी बताओ मेरे दोस्त, जलने वाले जल रहे हैं। खोल दें जनाब, खोल दें, सारे मिलके बोलो। और 1 तोला और क्यों, मोबाइल की गाड़ी चली गई। कह रहे थे ना तुम के मैं जोर दे रहा था, मैं जोर दे रहा था। रीड बिटवीन द लाइंस माय फ्रेंड, क्यों नहीं समझे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा बीवी के भाई को क्या कहते हैं यार, साला, ऐसे मत बोलना मुझे कभी, मेरी हट जाती है। गाड़ी निकल गई क्यों मोबाइल की, बहुत बड़ा झटका। लेकिन मेरे दोस्त अभी भी अच्छी खबर यह है कि 5 लाख रुपए का 10 तोला, 3.5 लाख रुपए का 7 तोला और 1.5 लाख रुपए का 3 तोला और 25,000 रुपए का 5 ग्राम सोना अभी भी बाकी है। Which means you are still in the game। क्या करूं? One। आप मेरे फ्रेंच फ्राइज तो नहीं खा गए? आप खाए नहीं आपने? अच्छा नहीं मेरे पास है, क्या करें? One नंबर खोल, नंबर खोले। सलाम आंटी, आंटी कैसी हैं आप? आंटी माइक उठाइएगा। आंटी आपका नाम इतना प्यारा है माशाल्लाह, आपको सब इसी नाम से बुलाते हैं जी? कैसे पूरा नाम कैसे लेते हैं आपका घर पे? शकीला खातून मेरा जी, शकीला बेगम नाम, शकीला बेगम सब आप बच्चे भी ऐसी नहीं, बात नहीं, नहीं, तो आंटी अम्मा मम्मी सब कहते हैं। लेकिन इतना अच्छा नाम है, आपको सारे ऐसे बोले तो कितना अच्छा लगे ना, मजा आएगा ना। अच्छा आप मुझे बहुत प्यारी लग रही है आंटी, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको कुछ तोहफा दूं जी आपको मैं। हाँ अब मुझे आगे से आवाज आ गई जी, तो मैं आपको यूनिक का जूसर देता हूँ, एससी का ब्लेंडर देता हूँ, इको स्टार की तरफ से आपको माइक्रोवेव देता हूँ, माइक्रोवेव की तरफ, और माइक्रोवेव की तरफ से कैसे दूंगा, पहल की तरफ से माइक्रोवेव देता हूँ, यूनिवर्सल की आपको वॉशिंग मशीन देता हूँ, यूनिवर्सल का पंखा देता हूँ और क्यू मोबाइल की तरफ से फोन भी देता हूँ आंटी आपको। अब बताएं आपके पास क्या है, माइक में बताएं ना। 10 तोले सोना। पहले प्यार तो करें सर, 10 तोले सोना पहले प्यार तो करें सर पे यार, ये वेरी नाइस। अब बताएं 10 तोला, कह रही है 10 तोला, खोल दें, पक्की बात है? पक्की बात। आप लोगों को क्या लगता है मेरे दोस्तों, इसमें 10 तोला होगा? तो फिर सारे मिलके बोलो, खोल दिया।
चलो यार तुम पता है अच्छा नहीं खेल रहे हो, गाड़ी तुमने निकाल दी और मेरे फ्रेंच फ्राइज अब देखो कैसे आए हैं। ये होते हैं फ्रेंच फ्राइज। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो तरीका, ये लीजिए मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज। ये ले मेरी बहन, खाइए, सबको खिलाएं। सर आप कहेंगे अंदर रखें, क्या करें? नंबर थ्री। नंबर थ्री। सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या है आपके पास? तीन तोला। तीन तोला, क्या करूं? खोल ले जनाब। पक्की बात है? पक्की बात। सारे मिलके बोलो, ये लो भाई खोल दिया। क्या हुआ? उत्तरी भाभी फजूले फजूले की प्रैक्टिस कर ले। मेरे दोस्त 5 ग्राम रह गया और 3 तोला रह गया, इसका मतलब है 1.5 लाख और 25,000 रुपए। अभी भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अपना डब्बा एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज करें? हैं? एक्सचेंज करें। पूरी बात तो सुनो, अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि या तुम अपना डब्बा एक्सचेंज कर लो या फिर अपने डब्बे पे रहो। सारे मिलके बोले, खोलो। अरे पागल हो गया, फ्रेंच फ्राइज आप लोगों को भी खिलाऊं क्या? अभी खिलाता हूं आप लोगों। क्या करना चाहोगे? सरफराज, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का आपका काम है जी। भाभी क्या करें? भाभी कहां है? भाभी चुप गई आप? भाभी भाभी ऑल गुड, कोई बात नहीं, 1.5 लाख अभी भी है। क्या करें? नहीं, भाभी ने कहा नहीं। भाभी आपने कहा नहीं, आप बताएं। क्या बताऊं? एक्सचेंज करें या नहीं? क्या करें मेरे दोस्त? एक्सचेंज। एक्सचेंज नहीं करते। आप कहते हैं आपका डब्बा ही आप रखेंगे अपने पास, या तो आप जीतेंगे, या पसीने आ रहे हैं ऐसा ही होता है, या तो आपके पास होगा 3 तोला या फिर आपके पास होगा 5 ग्राम। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है। 1 2 सारे मिलके बोलो। सोना सर आप जीते, गाड़ी भी आप नहीं जीत पाए, लेकिन ये किस्मत के खेल है मेरे दोस्त, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, फिर भी 25,000 का सोना ARY स्पीड लिमिट की तरफ से आप जीत गए। कहीं जाइएगा मत, जीतो पाकिस्तान। मुझे लगता है आप सब लोगों ने दूसरी बीवी का प्रोमो देख लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा जी, माचो की बाइक कौन जीतना चाहता है? सबसे पहले शोर यहां से आया था, आप किसके साथ आए? अपनी बेगम के साथ आ जाइए फटाफट से, और यहां से निकालते हैं। यहां पे कौन आएगा? आप बेगम के साथ आए? बेगम के साथ कौन है? आप आइए सर फटाफट से, और आप बेगम के साथ आए, आइए सर, पीछे वाले, ये वाले आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट से, क्विकली सर। इसके बाद दादा, अच्छा जी, तीन कब? आप अकेले हैं? बेगम कहाँ है? अच्छा, उनको लेके तो आओ साथ में, कैसे आदमी हो यार तुम। भाभी साथ में आइए, भाभी साथ, बच्चा छोड़ के आइए, भाभी बच्चा छोड़ के आइए, लगता है अरेंज मैरिज है आप लोगों की। भाभी जल्दी आ जाए, तालियां बजाएं इनके लिए। ओके जनाब, तो माचो की बाइक है, और मजे की बात यह है कि ये जो हस्बैंड खड़े हुए हैं, भाभियां आपको एक एक बॉल उठा के देंगी, और आपने इस तरह से, तुम सही आदमी नहीं हो, तुमने मेरा रास्ता काटा, बॉल नहीं गई। अब ट्राई करते हैं, बिस्मिल्ला,
ऐसी की तैसी, मैं तो डाल के रहूंगा। भाभी जाइए प्लीज आराम से, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये देखो यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये गेम गलत है, तुम लोगों ने बुरा गेम बनाया, ये अच्छा गेम नहीं है। आप लोग देखे, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को। आपको मिलेगा कितनी देर का टाइम, कितनी देर का टाइम, एक मिनट का टाइम आपको मिलेगा। और जब मुझसे नहीं जा रही तो आप लोग कैसे डालोगे दोस्त, मतलब कि मेरी तो पार्टी ही अपनी है, यहां के लोग हैं मेरे। ये लो पहली बॉल पकड़ी, आइए इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। तीन आपके पास, हमारे पास कपल्स हैं, और एक मिनट, एक मिनट आपके पास वक्त होगा, टोटल एक मिनट का। आपका वक्त शुरू होता है एक मिनट का अभी, काउंट करेंगे सारे। ओए एक एक, बहुत आला, कम ऑन, और ये कम ऑन, कोई बात नहीं, जल्दी से, वेरी गुड, अभी ये लीजिए। ओए होए, कम ऑन, एक हुआ अभी तक, चलिए ये लो, वेरी नाइस, अभी तक एक ही हुआ है, और ये दो, वेरी नाइस, और ये दो पे ही कहानी अटकी थी, अभी तक 30 सेकंड बाकी है। यस यस यस, अरे क्या किया तुमने। अच्छा जी, वेरी नाइस, मजे की बात ये होगी, फटाफट से हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लेके आओ फटाफट, दूसरा है, दूसरा लेके आए, जल्दी से तालियां बजाए। एआरवाई की टीम के लिए तालियां बजाए। 30 सेकंड अभी भी बाकी है, कम ऑन, वेरी गुड, चलो, चलो भाई, एक दो तीन और स्टार्ट, आ जाओ। देखो देखो, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अच्छा जी, मजे की बात है, आपने कितनी बॉल पॉट की थी, दो बॉले आपने पॉट की। आइए आप लोगों के साथ अब खेलेंगे, आगे आप पकड़ूंगा ये मैं, और देखते हैं कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एआरवाई की टीम के लिए एक बार फिर तालियां बजाएं, इतनी मेहनत से इन्होंने बनाए, माशाल्लाह से जीतो पाकिस्तान। और अगर मुझे लगी बेटा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। चले जी, एक दो तीन, कहीं देखा ऐसा होस्ट, टॉर्चर ले रहा हूं मैं शो के बीच में। मिस्टर जे जे, इस बात पे तो मेरी तनख्वाह बढ़ती है बॉस। आइए जी, कितनी बॉले आपने पॉट की सर, चार बॉले आपने पॉट की, आइए मेरे दोस्त, कितनी, पांच, वो बेचारा शरीफ आदमी है खुद चार कह रहा है, तुम लोग पांच कह रहे हो, चले पांच मान लिया, आगे बढ़। एक मिनट मेरे दोस्त, मुझे मत मारना, वरना ये जिनको मैंने अभी बात की है ना, वो बहुत हंसेंगे घर पे। चले एक दो तीन स्टार्ट, नहीं गई वो तेरी है, अरे मुझे मत मार यार, अरे भाई ऐसे खड़ा हो, मुझे क्यों मार रहे हो, Thank you.
अल्लाह शुक्र है अल्लाह, पानी मुझे दे रहे हैं, देखो यार कैसा हो गया। अच्छा जी, किसने सबसे ज्यादा फेंकी थी बोले तो? सर जी माचो की बाइक आपकी हुई। आइए बैठिए अपनी बाइक पे, आपको धक्के देने की मेरी अभी हिम्मत नहीं रही, लेकिन आप लोग भी यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ओलिविया के, गाबा नेशनल के और क्यू मोबाइल के गिफ्ट हैंपर्स आपके साथ जाएंगे, बहुत सारी तालियों में रक्षक करेंगे। ओह माय गॉड। अच्छा जी, तो बताइए जीत का फंडा कौन जीतना चाहता है? वाउचर्स अपने हाथों में, जल्दी से, अभी पीऊंगा मैं। याद रहे जनाब, आज के जीत के फंडे में तकरीबन 5 लाख रुपए का जैकपॉट है। दो खुशनसीब फैमिलीज यहां पर आ जाएंगी और 5 लाख रुपए का ये जैकपॉट जीत कर यहां से लेकर जाएंगी। देखते हैं कौन वो खुशनसीब है। याद रहे, जो पहले आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, हमें यहां पर आके शर्मिंदा ना करें। सबसे पहला नाम है 31999 मुहिबा अशफाक। मुहिबा अशफाक कौन है? आइए पूरी फैमिली के साथ आइए। उसके बाद अगला नाम है 5739 एम नईमुद्दीन। एम नईमुद्दीन कौन है जी? एम नईमुद्दीन, पूरी फैमिली के साथ आइए सर, पूरी फैमिली के साथ आइए, आ चुके हैं। चलो ऊपर आएंगे, चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सवालात पूछेंगे आप लोगों से। सबसे पहले बच्चों से, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ले बेटा पकड़ इसको। अच्छा जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, माइक पकड़ो, गिर क्यों रहे हो? दुनिया की बुलंद तरीन इमारत कहाँ वाके है? दुबई। सही जवाब। ये लीजिए क्यू मोबाइल आपके लिए। कभी गए हो दुबई? एक दिन जाओगे इंशाल्लाह। ये लो बेटा, खड़े, शेर सुनाओगी? ये देखो, ये साशे पैक में इतना बड़ा धमाका। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, मोहब्बत किसी की जागीर नहीं होती। फहद भाई मेरी मोहब्बत को संभाल कर रखना, ऐसी मोहब्बत हर किसी के नसीब। अरे वाह, क्या बात। क्या चाहिए? मोबाइल का टैप। चलो टैप दिया तुम्हें, आप खड़ी हो जाए बेटा, लाके दो इनको टैप, इससे पहले कि ये मुझे मारे। अच्छा जी, मेरी बहन पकड़िए, सवाल आपसे करूंगा। क्रिकेट मैच में लाल रंग की बॉल किस मैच में इस्तेमाल होती है? बॉलिंग चलाने के लिए। हैं? कहती हैं बॉलिंग कराने। बॉलिंग कराने के लिए। इस क्यूट जवाब पे इनको मैं बहुत सारे इनामात दूंगा। ये लो पकड़ो, ये लो लाइव बॉय की तरफ से बेटा आपके लिए, ये सोगो की तरफ से आपके लिए, ये मच्छर मारने का रैकेट भी सोगो की तरफ से, ये बॉकीज की तरफ से एक सैंडल आपके लिए, और ये फर्स्ट स्टेप की तरफ से एक गिफ्ट आपके लिए। चले आगे बंद कीजिए कुंडली कुंडली। ये लीजिए लाइव बॉय की तरफ से, हाथ मत लगाइए। ये लीजिए फर्स्ट स्टेप की तरफ से, ये लीजिए सर, ये लीजिए सर फर्स्ट स्टेप की तरफ से, ये लीजिए आंटी, ये लीजिए अंकल लाइव बॉय की तरफ से आपके लिए, ये लीजिए लाइव बॉय की तरफ से, लोगों की तरफ से, ये लीजिए चलो उस तरफ चलेंगे, वहां मुझे जरूर थोड़ा पट सकते हैरान भाई की तरफ से, ये लीजिए आंटी हैरान भाई, ये लीजिए हैरान भाई की तरफ से, ये लो बेटा थैंक यू, ये लीजिए आपके लिए, ये लीजिए आपके लिए, क्विकली क्विकली जल्दी से जल्दी से, डेविड की तरफ से, ये लीजिए वीडियो डाइपर्स की तरफ से, टू स्टार की तरफ से, ये लीजिए मैन ऑफ कुकिंग ऑयल की तरफ से, ले आओ फटाफट से, लेके आओ फटाफट से, कार्ड बना सकती चावल की लगी जो आपको, ये लीजिए कार्ड बना सकती चावल की, कैट बेबी की तरफ से, चलो बस हो गया, ये दोनों बांट दो। ओके जनाब, अशफाक साहब की फैमिली और नईमुद्दीन साहब की फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नईमुद्दीन साहब क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस करते हैं सर आप? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम करते हैं, वेरी नाइस सर। आज आपको मौका मिला है 5 लाख रुपए का जैकपॉट जीतने का, देखते हैं आज आप क्या करते हैं यहाँ पे। और सर नईमुद्दीन साहब, अशफाक साहब, अशफाक साहब क्या करते हैं? अशफाक साहब जॉब है प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड सर, ये सब माशाल्लाह आपकी फैमिली है, अल्लाह माशाल्लाह और आपको जो है खुशियां दे। और ये भाभी आपको क्या हुआ? वो जो मेरी बहन है, ये आपने इतना अच्छा पहना हुआ है माशाल्लाह, वो जो खड़ी हुई है वाइट वाली, आपको क्या ये आपने फैशन में पहना ना ये? जी, जी। मुझे लगा आपके सर पे चोट लगी हुई है।
मैंने तीन दफा आपको देखा, मैंने कहा मैं आपके पास आऊं, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं ये घर से तैयार होके आई है, नाराज ना हो जाए इस बात पे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग टॉस करेंगे, 5 लाख रुपए का जैकपॉट है। मैं आप दोनों फैमिलीज को बताना चाहता हूं, यूनिक की बाइक मेहरान स्पाइस की तरफ से बाइक, ARY स्पीड लिमिट की तरफ से 3 तोला सोना, क्यू मोबाइल की तरफ से 2 टैबलेट्स और 2 मोबाइल G100, सेंकोर की तरफ से कॉफी मेकर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, आयरन, हेयर क्लिपर, सैंडविच मेकर, राइस कुकर, फैन, माइक्रोवेव और फ्रिज, पेल की तरफ से, यूनिवर्सल की तरफ से वॉशिंग मशीन और फैन, यूनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन और आयरन, एनएक्स की तरफ से फुट मसाजर, सोगो की तरफ से फैन और भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसके अलावा लाल किला की तरफ से 50,000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर है। आपसे हम सबसे पहले टॉस करेंगे, आपको मौका देते हैं सर, आप बताइएगा ए या बी। जी ए, ए। और सर आप टॉस हार गए, इसका मतलब है आप हमारी टीम ए है और आप टीम बी है, जल्दी से आ जाइए सर। 5 5 सवाल दोनों टीम से किए जाएंगे, सबसे कॉमन जवाब जो भी उस सवाल का होगा अगर आप वो देंगे तो उसके ज्यादा मार्क्स होंगे और वो आपके टोटल में ऐड हो जाएगा और आप जीत सकेंगे 5 लाख रुपए का जैकपॉट। सर कौन कौन है साथ में, एक एक करके बता दें। मेरी जी बेटी है जिसका नाम, इसका ड्रॉ निकला, जिसका निकला माशाल्लाह, और ये भी छोटी बेटी, ये फैसलाबाद स्पेशली आपके प्रॉब्लम के लिए आई, वेरी गुड माशाल्लाह। और वो कौन है, ये भांजी है, वेरी गुड, ये भांजा है लेकिन इसका हस्बैंड है, वेरी गुड माशाल्लाह। आज सब लोग पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, आप बिस्मिल्लाह करना चाहती हूँ जी, बोलिए। मेरे पापा की विश बहुत थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, उनकी विश पूरी हो गई, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आप रो रही है बेटा, क्या बात है, मैं अपनी बहन के सर पे हाथ रखना चाहूंगा, बहुत बहुत खुश रहे आप, और सर आपसे गले मिलना चाहूंगा, तालियां बजाएं इन लोगों के लिए, बहुत सारी, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग मुझ जैसे आम आदमी से मिलने के लिए इतना जो है माशाल्लाह कोशिशें करते हैं, अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है, शायद मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपने मुझे इज्जत दी। पहला सवाल आपसे, मेरी टीम पीछे से कह रही है सही कहा आपसे, आगे बढ़ते हैं, रुक जा बेटा अभी आता हूं। पहला सवाल याद रहे, ये सवाल आपके हिसाब से नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान के 400-500 लोगों से सवाल पूछा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दीजिएगा। अच्छा, बिना मांगे शौहर अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए पैसे कब देता है? जब सैलरी आती है, आपने कहा जब सैलरी आती है, नहीं नहीं, जब सैलरी आती है, सोच समझ के बताएं, हमारी ऑडियंस भी आपका, आपकी जो है वो मदद कर सकती है। बिना मांगे शौहर अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए पैसे कब देता है? जब दूसरी बीवी हो। दूसरी बीवी? अच्छा, भाभी ये कब देते हैं आपको पैसे? माइक दे भाभी को, एक ही बहुत काफी है, वो तो इनसे पूछे ना भाभी, आप क्यों जवाब दे रही हैं? चले भाभी ऐसे ही इनसे सवाल पूछता हूँ। सर सर दूसरी बीवी लाना चाहेंगे सर आप? नहीं फिलहाल। इतना डर क्यों रहे हो भैया, अकेले में बात करें, कुछ बच्चों का, इधर आ सब बच्चों, कोने में, नहीं सर ऐसे ही, ऐसे कभी ऐसे मूड बन जाता है सवाल, नहीं सोच लो, सोच, अरे सोचो तो सही सर। अच्छा बहुत सारा पैसा आपके पास सर, जैसे अचानक से 25-30 करोड़ रुपए हाथ में आ गए, पहला काम क्या करेंगे सर? पहला मशवरा घर पे ही करूंगा कि दूसरी शादी करूं या ना करूं, बहुत पैसे आ गए, क्या बात है। आइए सर, सवाल आपसे पूछा गया कि बगैर किसी मांगे, बगैर किसी बात के मांगे पैसे कब देता है शौहर अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए, क्या जवाब होगा आपका? किसी त्यौहार पे, जिस दिन कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई ईद वगैरह हो, देखते हैं जनाब इनका ये जवाब हमारे पास मौजूद है और अगर है तो उसका क्या परसेंटेज है। 5 लाख रुपए का जैकपॉट है अशफाक साहब, देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में आज। किसी खास तकरीब पर 22%, जब उसका मूड अच्छा होता है 36%, कोई काम निकलवाने के लिए 10%, तनख्वाह बढ़ने पर 18%, शौहर ऐसा कभी नहीं करता, और ये था 10%, 22 नंबर आपके हो गए, बहुत अच्छा खेला आपने जी। सर नईमुद्दीन साहब आपकी तरफ आते हैं सर, साथ में कौन कौन है, भाभी हैं और दोनों बच्चे माशाल्लाह, बेटी है, माइक, ये मेरी बेटी है रूसा, अच्छा ये भतीजा है ताहा, भतीजा जी, भतीजा लेके आए आप साथ, हाउ स्वीट, अगर कुछ निकला तो भतीजे को क्या देंगे, इसको ले आया ही बहुत है बस इसके लिए, है ना ये वाली बात है ना जी। अच्छा आप चचा है या फूफा है? मैं ताया हूँ इनका, ताया, अल्लाह, चले देखते हैं सर आज आप क्या करते हैं। पहला सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, 22 नंबर की लीड ऑलरेडी इनकी है, आइए देखते हैं अगर किसी खातून को अपने शौहर को गुस्सा दिलाना हो तो वो क्या कहती है। अल्लाह ये तो पता ही होगा, भाभी ने फौरन से जवाब दिया, भाभी किस बात पे गुस्सा दिलाती है आप इनको, भाभी प्लीज बताइए, भाभी माइक, भाभी माइक बताए,
हंस देती है, गुस्सा आ जाता है तो फिर इनसे बात नहीं करती, इनसे बात नहीं करती, बात ना करके तपाती है। सर ऐसा होता है जी? आप तो शरीफ आदमी लग रहे हैं सर, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। आप क्या गुस्सा करते होंगे, अल्लाह अल्लाह शर्मा रहे। चेक करें आप, क्या करें सर, क्या जवाब क्या है? आप लोग जब तक सोचे मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाता हूँ, कहीं जाइएगा मत, जीतो पाकिस्तान। ओके जी, तो सवाल एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। सवाल है, अगर किसी खातून को अपने शौहर को गुस्सा दिलाना हो तो वो क्या कहती है? सर सोचा आपने? अपने शौहर का कहना नहीं मानती, शौहर का कहना नहीं मानती। क्या कहते हैं, लॉक करते हैं इस जवाब को? जी हाँ। पक्की बात है जी? चलें जी, इनके इस जवाब को लॉक करते हैं। कहते हैं कि शौहर का कहना नहीं मानती। अब देखते हैं हमारे पास इनका ये जवाब मौजूद है, और अगर है तो उसकी क्या परसेंटेज है। आइए जनाब दिखाइएगा 5 लाख रुपए के जैकपॉट के लिए। और आपका ये जवाब नहीं है हमारे पास। मैं नहीं जा रही आपकी अम्मी के यहां 25% शॉपिंग पर चले 20%, बहन के शौहर की मिसाल देंगी 28%, आप मेरा ख्याल नहीं कहते करते 15%, पैसे मांग लेंगी 12%। सर आपका ये जवाब हमारे पास नहीं है। नॉर्मली बीवियां सुनती कब है वैसे शौहरों की, आपस की बात है, बट खैर कोई बात नहीं। बहुत सर आपको मार्जिन मिल गया, 22 नंबरों की लीड है आपकी। सवाल नंबर 2 आपसे करने जा रहा हूं, आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। जी जनाब चलाइएगा, किन लोगों से आप मिलना पसंद नहीं करते? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका जवाब, किन लोगों से आप मिलना पसंद नहीं करते? जल्दी से बताइए, क्या ऑडियंस से पूछना चाहेंगे? मशवरा करेंगे, मशवरा करेंगे। दे बच्चे को माइक, जाओ बेटा पूछ के आओ, जगह जगह हर जगह। जी इधर उधार गया, उधार मांगने वाले से, झूठे उधार मांगने वालों से, झूठे लोगों से नहीं मिलना चाहते, झूठे लोगों से, झूठे लोगों से, ससुराल। अरे वाह लड़की, अभी से ओके आगे बढ़ते हैं जी। उधार लिया हो, उधार लिया हो जिसने, सर कहते हैं जिसने उधार लिया उससे, ससुराल वालों से मेरी बहन ने कहा, झूठे लोगों से, बोलने वालों से, झूठ बोलने वालों से मिलना पसंद नहीं करते। आइए देखते हैं कि इनका ये जवाब हमारे पास मौजूद है, और अगर है तो उसकी क्या परसेंटेज है। जनाब 5 लाख रुपए का जैकपॉट है सर, याद रखिएगा, सोच समझ के जवाब दिया है आपने। देखते हैं आपका जवाब हमारे पास मौजूद है, झूठे लोगों से 18%, बदतमीज लोगों से 24%, ससुरालियों से मेरी बहन 17%, तकब्बुर करने वाले लोगों से 15%, उधार मांगने वालों से 20%। मेरे दोस्त ने कहा था 40 नंबर आपके हो गए सर, और 40 नंबर की लीड है। नईमुद्दीन साहब क्या कर रहे हैं, सोच समझ के जवाब दें अगले सवाल का। आइए देखते हैं, आपको खुश करने के लिए मैं भाभी को और हमारी बेटी को यहां पर आमना स्माइल के सूट देता हूं। पहले ही जाइए, जल्दी से दीजिए क्विकली क्विकली, और आप नाराज ना हो, आपको भी देंगे, इनको भी 4 सूट दीजिए जल्दी से क्विकली क्विकली, जल्दी आ जाओ मेरे दोस्त। अच्छा जी अगला सवाल, घर में हुक्मराना रवैया किन लोगों का होता है? सास का, आवाजें लग रही है, सास सास जी सर क्या जवाब देने चाहेंगे? वालदा का होता है, वालदा का मतलब के सास का, सासू माँ का कहते हैं जी। सास का रवैया जो है वो होता है सबसे ज्यादा हुक्मराना। देखते हैं इनका ये जवाब हमारे पास मौजूद है या नहीं है, 40 नंबर की लीड ऑलरेडी है। अब देखते हैं कि इनका ये जवाब इनको कितने नंबर दिलवा सकता है। 5 लाख रुपए के जैकपॉट के लिए आपका जवाब मां का 10%, बाप का 37%, दादा का 14%, जो ज्यादा कमाता है 20%, बड़े भाई का 19%, 10 नंबर आपके हुए सर। कुछ मजा नहीं आ रहा सर अभी तक, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर की लीड है सर आपकी, सवाल नंबर आपके लिए 3, आइए देखते हैं क्या सवाल है। आइए जनाब, आप इंसान की शख्सियत में सबसे ज्यादा किस चीज से मुतासिर होते हैं? क्या जवाब होगा? उसने अखलाक से कहते हैं, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आवाज आ गई ऑडियंस से, कह रही है ऑडियंस यही कह रही है, उसने अखलाक से, आदमी के अखलाक से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। आइए देखते हैं इनका ये जवाब हमारे पास मौजूद है। जनाब अखलाक साहब कितना इंपॉर्टेंट है, खुश अखलाकी 32%, 17% पैसे से, लिबास से 17%, खुशबू से 10%, खूबसूरती से 20%, 72 नंबर है, 62 नंबर की लीड हो गई है। नईमुद्दीन साहब क्या कर रहे हैं सर, 5 लाख रुपए का जैकपॉट है,
आप पूछिए ना है? मैंने कौन सा मुश्किल सवाल आपसे पूछ लिया, मैंने तो बहुत आसान आसान सवाल आपसे पूछे। आपके लिए सवाल नंबर आपका होगा तीसरा। आइए देखते हैं क्या सवाल है। बढ़ती हुई उम्र के साथ आप किन चीजों पर ज्यादा पैसा लगाते हैं? किन चीजों पर? किस पर? किस पे? चले यार आपकी ऑडियंस से हेल्प करवाते हैं यार, आप लोग जो है वो बहुत पीछे इस तरफ से पूछते हैं। बताइए सर, बढ़ती उम्र के साथ साथ किन चीजों पर सबसे? मेकअप पे। मेकअप 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 अंकल मेकअप 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 जी मेकअप मेकअप बालों में कलर, बालों के कलर पे क्या बात है आंटी? औलाद कलर, औलाद पे। वेरी नाइस आंटी, वेरी गुड। आपका क्या ख्याल है इस बार? मेकअप पर। मेकअप पर सर आप क्या कहते हैं? औलाद पे। औलाद पे, औलाद, औलाद पे, औलाद, औलाद, मेकअप, 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 बालों पे, बालों पे, आप मेकअप, मेकअप के लिए जिंगल लाए? अरे अभी भूल नहीं, अभी खाता थोड़ी देर में। जी जनाब, वो मेरे लिए जिंगल लाए, हाउ स्वीट इज दैट। जी सर, कहते हैं मेकअप पे सबसे ज्यादा और औलाद पे। किसके साथ जाएंगे सर? औलाद पे। अरे क्या कर रहे हो पगली बाप, सही बात है, पक्की बात जी, लॉक कर दूं? जी सर। कहते हैं औलाद पे। आइए देखते हैं, इन्होंने ऑडियंस की बात भी नहीं मानी जिन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप की बात की, इन्होंने कहा औलाद। आइए देखते हैं इनका ये जवाब हमारे पास मौजूद है। सर सवाल था, बढ़ती उम्र के साथ आप किन चीजों पर ज्यादा पैसा लगाते हैं? चेहरे पर 19%, बालों पर 20%, नेकी के कानों पर 30%, लिबास पर 9% और बीमारी पर 21%। सर जी आप दूर दूर तक कहीं भी गेम में नहीं है, 62 नंबर्स की लीड है। अशफाक साहब लगता है बहुत बड़ा मार्जिन आज होगा और आप जीतेंगे उससे, बेटी का नसीब माशाल्लाह। आइए देखते हैं सर सवाल नंबर चार आपके लिए, आपकी लीड बहुत ज्यादा है। अमूमन लोग अपनी चादर से बाहर पांव कब फैलाते हैं? जब ख्वाहिशें बढ़ जाए, जब ख्वाहिशें जी सर देखकर, दूसरों को देखकर। क्या होगा आपका जवाब? जी सर कंपटीशन में, कंपटीशन में, कंपटीशन में, लोगों को देखकर कंपटीशन, कंपटीशन। ऊपर जाओ, ऊपर जाके पूछो, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, आराम से जाना, गिरना नहीं। जी जनाब क्या होगा? लालच, लालच। जब चादर छोटी हो, लालच में, लालच में, लालच। जब चादर छोटी हो, खर्चा ज्यादा हो जी, शादी ब्याह पे, शादी ब्याह पे, शादी ब्याह पे, शादी ब्याह पे ऐसा नहीं होता। आ जाओ नीचे, आ जाओ। जी सर क्या जवाब होगा आपका? बहुत सारे जवाब मिले आपको। कंपटीशन में दिखावे के लिए, दिखावे के लिए, दिखावा करने के लिए या फिर कंपटीशन में। आइए देखते हैं इनका ये जवाब हमारे पास मौजूद है। वैसे तो लीड बहुत ज्यादा है आपकी, सवाल नंबर था आपका चार। आइए देखते हैं जनाब। जी जनाब दिखावे के लिए 23%, किसी तकरीब पर 18%, दूसरों को देखकर 24%, नींद में होते हैं पता नहीं चलता 9%, बीवी के कहने पर 22%, 95 नंबर आपके हो गए, 85 नंबरों की आपकी लीड है। और आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं सर, आपका सवाल नंबर चार, ये डिसाइड करेगा कि आप इस गेम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी बुरा खेला तो ऑटोमेटिकली 5,00,000 रुपए का जैकपॉट अशफाक साहब अपने घर लेकर जाएंगे, जिसमें क्या क्या है मैं बता चलूं। यूनिक की बाइक, मेहरान की तरफ से एक बाइक, पहल का रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव अवन और क्यू मोबाइल की तरफ से टैबलेट्स, 3 तोला सोना, ARY स्पीड रिमिट की तरफ से और भी बहुत सारी चीजें, कुल मिलाकर 5,00,000 रुपए का जैकपॉट है। सवाल नंबर चार, औरतें शादी के बाद ज्वाइंट फैमिली में रहना क्यों पसंद नहीं करती? आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं सर? जी सर। जी सर तो बताइए भाभी क्या जवाब होगा, क्यों पसंद नहीं करती? मैं उठा अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं, अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, अपनी मर्जी से आजादी से रहना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं इनका ये जवाब, क्या इनको 5,00,000 रुपए के जैकपॉट के इस कॉम्पिटिशन में रहने देगा या फिर अशफाक साहब आज जीत जाएंगे। आइए देखते हैं जनाब, और आपका जवाब 18%, इसका मतलब है कि हमारा अगला सवाल कहीं से भी आपको नहीं जिता सकता। अशफाक साहब 5,00,000 रुपए का जैकपॉट आप लोग जीत गए। आइए सर ARY स्पीड लिमिट की तरफ से ये 30 तोला सोना, मेरी बच्ची मेहरान प्राइस की तरफ से बाइक, यूनिक की तरफ से बाइक, बेल का प्रिंट, क्यू मोबाइल की तरफ से, सेंटोर की तरफ से, इलाइट की तरफ से, एसटी की तरफ से, सारी चीजें आपकी हुई, सारे
भाई तालियां, आ जाओ सारे मिलके ढकी टिकी करेंगे, एक दो तीन स्टार्ट। ढकी टिकी ढकी टिकी ढा, ढकी टिकी ढकी टिकी ढा, कहीं जाइएगा मत, जीतो पाकिस्तान। ओके जनाब, तो अब बढ़ते हैं आगे, और आज पानी की बिल्ली में मुझे चाहिए 6 अदद लड़के। आइए जनाब, सबसे पहले आप ग्रीन शर्ट में आप आइए, वो पीछे चेक शर्ट में आप आइए, वो पीछे ब्लू शर्ट में आप आइए, और आप आ चुके, आप आए आप, वो उधर वाला, और यहां से आओ बेटा, और आप आओ आप, और आप आ जाओ, बस 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 बस। अच्छा जी, मजे की बात यह है कि ये सारे यहां से क्या जीत कर जाएंगे, जो इनमें से सबसे अच्छा डांस करके दिखाएगा वही यहां से लेकर जाएगा सुपरस्टार की बाइक। सबसे पहले आपका नाम सर? जज़ाकअल्लाह मेरे बच्चे। तला, तैयार हो? तला आपका वक्त शुरू होता है, यहां पर आगे डांस करेंगे, एक दो तीन स्टार्ट। सिर्फ ठुमके क्यों लगा रहे हो? कहीं ठुमका खराब हो गया तो फिर क्या करोगे? आपका नाम? तला। तला, अरे एक और तला, आओ तला, एक दो तीन स्टार्ट। अब अगर मुझे नचवाया ना किसी ने तो कुछ नहीं दूंगा। क्यों? आपका नाम? अरे क्यों, ये बीवी हो क्या तुम मेरी? ऐसे सवाल पूछ रहे हो? पूछ सकते हैं, ऐसे मुझसे सिर्फ मेरी बीवी बात करती है, ठीक है? क्या नाम है आपका? नौमान। आइए, एक दो तीन स्टार्ट। क्यों? बस आपका नाम? आतिफ। एक दो तीन स्टार्ट। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी सर। हैं? सलमान खान। सलमान, चलो आओ, इसके लिए तो दबंग बजाएंगे, एक दो तीन स्टार्ट। आओ बेटा, एक दो तीन स्टार्ट। बहुत आना। क्या नाम है? तुम भी तला तो नहीं हो? अशफाक अहमद। शुक्र है यार, कोई तो तला के अलावा भी आया। एक दो तीन स्टार्ट। ओह माय गॉड, जी भाभी जी, मैं समझ गया, मैं कमाल का नाश्ता है आपका, क्या बात, तालियां बजाएं इसके लिए, क्या बात है जी सर जी। क्या नाम? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, वो जो बच्चे मारता था। चले, एक दो तीन स्टार्ट।
मेरे दोस्त साहब भी हमारे विनर है। सुपरस्टार की बाइक मुबारक हो आपको। बाइक दे बड़ा मुझसे भाग के बाइक दे। क्यों रो रही हैं आप, क्यों रो रही हैं आप? माइक दे माइक दे। क्या हुआ इतना अच्छा? ये घर में भी नाच के दिखाता है ऐसे आपको, है ना? चले आज हम दोनों आपको नाच के दिखाएंगे, क्या बात है। चले तालियां बजाएं। हाँ भाई दिखा। क्या कहना चाहती हैं? फाद भाई मैं क्रिश्चियन थी पहले और मैंने पसंद की शादी की। मेरे हस्बैंड मूवी मेकर हैं। क्या बात? मेरे हस्बैंड रातों को देर से आते हैं। मेरा वाउचर नहीं हाथ में आया, मैं इसलिए रो रही हूँ। बाकी बहुत बहुत एआरवाई को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि मेरे हाथ इसलिए कांप रहे हैं कि मेरे बच्चे कब से बाइक के लिए तरस रहे थे। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी इसी बात पे मैं आपको यूनिवर्सल की वॉशिंग मशीन भी देता हूँ, न्यू मोबाइल भी देता हूँ, बेल की तरफ से माइक्रोवेव ओवन भी देता हूँ, और सेंटोर की तरफ से टोस्टर भी देता हूँ। आप सब लोग भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, मेरी दुआएं और मेरी पपियां लेके जाएंगे। चलो घर जाओ। अरे यार हमारा दिल कर रहा डांस के देखने का यार। अच्छा जी, आखिरी एआरवाई स्पीड रिमिट की तरफ से हमारा सेगमेंट है। देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन खेलेगा। कौन है जी हमारे साथ आज? क्यानी साहब। क्यानी साहब इस्लामाबाद से। इस्लाम सर। क्यानी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं सर? आप वही हैं या कोई और हैं? जी वही हूं भाई। अच्छा सर आप क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं। ओके कोई बात नहीं। अच्छा सर आज आपको मौका मिला है घर बैठकर 10-16 सोना जीतने के लिए। अब देखते हैं सर कि आप कैसे खेलते हैं। सबसे पहले सवाल आपसे करूंगा 5 ग्राम के लिए। अगर आप 5 ग्राम जीत गए सर तो उसके बाद कोई भी सवाल सुनने से पहले आप जितना सोना जीत चुके होंगे वो हमें बता दीजिएगा, वरना अगर आपने सुनने के बाद गलत जवाब दिया तो आप दोबारा यहां से सिर्फ 5 ग्राम ही लेकर जाएंगे। सबसे पहला सवाल आपसे कर रहा हूं, तैयार हैं आप? जी जी बिल्कुल। सर पाकिस्तान के किस वजीर आजम का मुक्का मशहूर है? पाकिस्तान के किस वजीर आजम का? वजीर आजम का जुल्फिकार अली भुट्टो। जी जुल्फिकार अली भुट्टो। गलत जवाब सर, सो सॉरी, आप यहां से कुछ भी नहीं लेकर गए। लियाकत अली खान साहब का मुक्का मशहूर था। शो पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी एक फैमिली यहां पर आई है आज और वो ईरान से आई है और वो बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से हमारे शो में आए हैं, लीगल तरीके से आए। कहां पे है वो फैमिली? कहां पे है वो फैमिली? जी ये बैठी हुई, एक तो इनके लिए तालियां बजाएं। ईरान से ये फैमिली स्पेशली आई है। आपके ईरान से सिर्फ आने पे मैं आपको यहां से एसटी की तरफ से, सेंकोर की तरफ से, पेल की तरफ से, इको स्टार की तरफ से, आमना इस्माइल की तरफ से, क्यू मोबाइल की तरफ से गिफ्ट हैंपर्स देता हूं आप सबको। संडे की कुरानदाजी निकालते हैं, देखते हैं संडे को कौन हमारे साथ खेलेगा। जनाब आइए दिखाइएगा। एंड स्टार्ट एंड स्टॉप प्लीज 6486538000। कराची से आप हमारे साथ अगले शो में खेलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए लाहौरियो देखते रहना, जीतो पाकिस्तान।